हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HBSE टेक्निकल ज्ञान में। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे MCS का कंट्रोलर है। आप देख सकते हैं MCS का कंट्रोलर जो कि ये SKM चिलर है, इसमें लगा हुआ है। इसमें हम लोग अगर इसको मैनुअल पंप डाउन करने का है, जैसे हमारा सिस्टम है, इसमें थ्री सिस्टम है गाइस, कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2, कंप्रेसर 3। तो अगर हमको कई कंप्रेसर को पंप डाउन करने का मैनुअली, तो हम लोग कैसे करेंगे और कैसे मालूम करेंगे कि ये पंप डाउन हो गया है, तो हम लोग देख लेते हैं गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये S1, S2, S3 लिखा हुआ है। S1, S2, S3 का मतलब है गाइस System 1, System 2, System 3। अगर हमको इसको पंप डाउन करने का, मान लीजिए हमको System 1 को पंप डाउन करने का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मैनुअल पे रख देंगे इसको, कि ये स्विच है जो मैनुअल पे रख देंगे, तो ये हमारा क्या है, पूरा जो गैस है हमारा कंडेंसर में पंप डाउन हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पंप डाउन कर सकते हैं कंप्रेसर 1 के लिए, यहाँ से पंप डाउन करेंगे कंप्रेसर 2 के लिए ये स्विच के, कंप्रेसर 3 के लिए ये। तो हमको जो भी सिस्टम पंप डाउन करने का हम लोग मैनुअल में कर देंगे, तो ये पंप डाउन हो जाएगा, इधर पंप डाउन हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं ये ऑन ऑफ का स्विच है गाइस, यहाँ से हम लोग इसको सिस्टम को ऑफ ऑन कर सकते हैं। यहाँ से ये लोकल ऑफ और रिमोट मोड, ये यहाँ से भी ऑफ हो जाएगा गाइस। तो अगर हमने पंप डाउन किया गाइस इसको, तो हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि ये पंप डाउन हो गया है, अब हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे डिस्प्ले में कहाँ पे देखेंगे कि ये पंप डाउन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग डिस्प्ले में देखेंगे। तो गाइस, जो देखने के लिए हम लोग कहाँ मेनू में प्रेस करेंगे, और मेनू में प्रेस करके गाइस हम लोग इनपुट्स में जाएंगे, इनपुट्स में जाके ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम लोग डाउन आएंगे, और डाउन आने के बाद गाइस आप देख सकते हैं, गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं Pump Down 1, Pump Down 2, Pump Down 3, System 1, System 2, System 3 का पंप डाउन है। अगर हमको System 1 पंप डाउन करने का, तो यहाँ पे जब मैनुअल पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या, जब पंप डाउन हो जाएगा तो यहाँ पे S लिख के आ जाएगा। अभी ये तीनों में से कोई भी पंप डाउन में नहीं है, ये ऑटो में है। जब भी कंप्रेसर ऑन होएगा उस टाइम में उसका हिसाब से ये ऑन ऑफ ऑटोमेटिक पंप डाउन होता रहता है और ओपन होता रहता है। तो गाइस, अगर हम लोग इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पे S शो करेगा, तो बोलो पंप डाउन हो गया है गाइस। यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं ये सिस्टम पंप डाउन में है, ये सिस्टम पंप डाउन में नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आया पंप डाउन करके चला गया, हमको मालूम नहीं है, अगर हमको इसको मालूम नहीं है, तो हम लोग इसका अंदर से भी देख सकता है कौन पंप डाउन है, कौन सा सिस्टम पंप डाउन नहीं है। तो ये गाइस पंप डाउन के लिए हम लोग यहाँ से पंप डाउन करके हमारा सिस्टम को बंद कर सकते हैं, जो भी सिस्टम बंद करने का है। तो गाइस, ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर, और हमारे चैनल HBSE टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।